कुछ प्रदेशों पे कोई असर रहा है, जैसे कर्नाटका हो गया, हरियाणा हो गया, इन सब प्रदेशों पे कोई? देखिए, किसी भी कार्यक्रम में भीड़ को की उपस्थिति से आप उसकी सफलता को नहीं मान सकते। कॉमन मैन ने उसको किस रूप में लिया है, इसके अलावा और कितनी दूर तक, कितनी देर तक उसका इम्पैक्ट होगा, ये भी उस पर निर्भर करता है। उस पार्टी का अपना विषय, अपना एजेंडा होगा, अपना उसको करने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र हैं, लेकिन उनको देश के सामने ये भी बताना चाहिए कि उसका उद्देश्य है क्या। अयोध्या में राम मंदिर का काम अब करीब करीब पूरा होने वाला है, तो अब अगला काशी और मथुरा को आप कैसे देखते हैं? मैं इसलिए सवाल पूछ रहा हूं क्योंकि अब ये सरकार यहां और 4 साल है, तो काशी मथुरा का आपकी सरकार का क्या रवैया रहेगा? देखिए, काशी में आप देख रहे हैं, काशी में काशी विश्वनाथ धाम बन गया है। जी आज काशी एक नए कलेवर के रूप में पूरी दुनिया के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी स्वयं काशी से देश की संसद में प्रतिनिधित्व करते हैं। जी मथुरा में ब्रज तीर्थ विकास परिषद विकास के कार्यक्रमों को तेजी के साथ आगे बढ़ा रही है, तो वहाँ की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करते हुए उसके भौतिक विकास के लिए सभी प्रकार के कार्यक्रम सरकार चला रही है, और केवल उन्हीं उन्हीं स्थलों के लिए नहीं है। हम तो विंध्यवासिनी धाम में भी काम कर रहे हैं, हम लोग सुख तीर्थ में भी काम कर रहे हैं, हम लोग नैमिष सारण्य में भी काम कर रहे हैं, और अन्य मैं सभी धार्मिक स्थलों में, बौद्ध जो जो है परिपथ पे भी यूपी के अंदर कार्य हो रहा है, महर्षि वाल्मीकि के लालापुर में भी काम हो रहा है, संत तुलसीदास जी के राजापुर में भी हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं। ये सभी हर जगह के समग्र विकास के लिए तो कार्यक्रम। आपको लगता है कि यहाँ पे भी जल्दी ही कार्य जो है कल कंक्लूड होगा, आपके इस कार्यकाल में ये बात आगे बढ़ेगी? देखिए, सभी काम अच्छे ढंग से आगे बढ़ रहे हैं, और जन भावनाओं का सम्मान करते हुए, आस्था का सम्मान करते हुए इसे आगे बढ़ाया जा रहा है। एक सवाल मैं और आपसे पूछना चाह रहा हूँ, ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आप जो है खुद भी फिल्म इंडस्ट्री को यूपी में